IFCI के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या फ्यूचर होने वाला है इस स्टॉक का, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के अंदर क्या टारगेट आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं, क्या ये स्टॉक फ्यूचर के अंदर एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है, डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर अभी हम आपसे इस स्टॉक के ट्रेंड के ऊपर डिस्कशन करें, अभी हमें इस स्टॉक के अंदर एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी हेल्प हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी हेल्प कर दीजिएगा। 50 डे एवरेज वॉल्यूम है 1 करोड़ 41 लाख का, जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव अभी हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अगर अभी हम आपसे इस स्टॉक की रिटर्न प्रोफाइल के ऊपर डिस्कशन करें, 1 मंथ के अंदर 18% के पॉजिटिव रिटर्न इस स्टॉक ने दे दिए, 1 ईयर के अंदर 31% के पॉजिटिव रिटर्न इस स्टॉक ने दे दिए, काफी अट्रैक्टिव टारगेट आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। प्लीज वीडियो के अंदर बने रहिएगा। 5 ईयर के अंदर 8% के नेगेटिव रिटर्न इस स्टॉक ने दिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3900 करोड़ का, नंबर ऑफ फंड जिन्होंने इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करा वो 194 के, रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 5% का नेगेटिव के अंदर है जून 2022 में, इनका अर्निंग पर शेयर था 0.99 का नेगेटिव के अंदर, जून 23 के अंदर 0.56 का नेगेटिव के अंदर था, जून 2020 में इनकी सेल्स 311 करोड़ की, वो इंक्रीज होकर 319 करोड़ की हो गई थी, 3% की ग्रोथ हमें सेल्स के अंदर देखने को मिली है। अगर अभी हम आपसे इस स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर डिस्कशन करें, प्रमोटर्स की होल्डिंग है 70% की, इंश्योरेंस है 1.95 के, फॉरेन पोर्टफोलियो 1.51% के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है 0.04 के, इंडिविजुअल है 19% के और अदर है 6% के। काफी स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास आप यहाँ पे देख सकते हैं 2100 करोड़ के टोटल शेयर कैपिटल है, कंपनी के पास रिजर्व्स नेगेटिव के अंदर है 1500 करोड़ के, और कंपनी के ऊपर डेट है 443 करोड़ का। सर अगर आप इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, करंट मार्केट प्राइस पे आपको इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने फाइनेंशियल्स भी आपके साथ डिस्कशन करें, अगर आप हमारी फैमिली के साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने आपको इस लेवल पे भी ये स्टॉक रिकमेंड करा था, इस लेवल पे भी हमने आपको ये स्टॉक रिकमेंड करा था, आप पुरानी वीडियो आके देख लीजिएगा। अभी हमें इस स्टॉक के अंदर ना एक कंसोलिडेशन जोन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी इस स्टॉक ने एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट करा था, सक्सेसफुल ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला था, यहाँ पे भी अभी हमें इस स्टॉक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिल रही है। अगर इस स्टॉक के अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलता है, जैसे ये स्टॉक अपसाइड के अंदर 16.10 की प्राइस को ब्रेकआउट कर देगा, 25 के फर्स्ट टारगेट आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अगर इस स्टॉक ने 13 की प्राइस को डाउनसाइड के अंदर ब्रेकआउट कर दिया, ये स्टॉक वीक हो जाएगा।